अब ये जो प्लेन पे नाम आ रहा है टॉप आरपी पे, इसे आप लोग ध्यान से देख लेना। ये एक गर्ल गेमर है जिसका टॉप आरपी पे नाम आया हुआ है, मतलब ये मैक्स आरपी वाली बंदी हो गई। तो भाई स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो क्लिप देखी जहाँ पे एक हैकर भैया थे, आप लोगों को क्या लगता है क्या वहाँ पे हम लोग बचेंगे या फिर मारे जाएंगे? फिलहाल के लिए तो जो लोग भी नए हो जल्दी जल्दी लाइक कर दो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। और आज का गेम प्ले भी फुल तबाही भरा होने वाला है, एक नहीं आज दो दो आई थिंक सो हैकर आएंगे जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और भाई इस वाले गेम प्ले में जो किल्स होने वाले हैं बहुत ज्यादा खतरनाक। फिलहाल के लिए यहाँ पे पिस्टल और एसकेएस मिली मुझे, मैं यहाँ पे रुका थोड़ी देर, बंदे के फुट्स लिए ऊपर गया ये, मैं इसके पीछे गया। सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो ये भैया भी अपना गेम प्ले बना रहे थे आई थिंक सो। फिलहाल के लिए इनकी यहाँ पे पेटी बनाई मैंने और तभी एक बंदा सामने आके टीपी भी लेता है। अब इन भैया की भी मुझे यहाँ पे शॉटगन लगी एक, तो गाइज इस वाले 1v2 के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, बिना हेलमेट वेस्ट के यहाँ पे रस कर दिया एसकेएस लेके। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग जा रहे थे पीछे के साइड लूट वूट करने और तभी लास्ट वाली रोड साइड वाली बिल्डिंग से बंदे के फुट्स आए और उसी टाइम पे भाई टावर से इस बंदे ने अच्छा खासा डैमेज किया। और हाँ, जो मैंने आप लोगों से एक चीज पूछी थी गाइस, क्या यहाँ पे आज चिकन डिनर हम लेंगे या फिर वो हैकर लेगा? फिलहाल के लिए टावर वाले भैया जो मस्ती कर रहे थे पीछे से, उनको मैंने हस्ती वस्ती उजाड़ दी उनकी और यहाँ पे नॉक कर दिया। अब इसको नॉक करने के बाद यहाँ पे मैं अपने आप को हील वगैरह करता हूँ और तभी लेफ्ट राइट दोनों साइड से बंदे आ जाते हैं। चला गया। अब लेफ्ट वाले तो ये बहुत अंकल थे दोनों, लेकिन राइट वाला बंदा रियल था और वो भाई चढ़ाई कर देता है मेरे टीममेट्स पे। अब यहां पे इस बंदे की मैंने पेटी बनाई और तभी पीछे सीमेंटर से एक बंदा स्कारल से फायर करता है और एक बंदा राइट साइड से पहले हम पे रस कर रहा था, लेकिन जैसे ही स्कारल चली ये पीछे साइड भाग के गया। और अब यहां पे पीछे के साइड सीमेंट्री वाले बंदे ने यहां पे ऑलमोस्ट भाई साहब दो बंदे नॉक कर दिए थे मेरे, एक बंदा तो नॉक कर दिया स्पाइडरमैन को, विक्की भी हाफ एचपी था। अरे भैया तुम कहां से आ रहे हो धूम 69 लेके? फिलहाल के लिए यहां पे पीछे वाला जो बंदा था उसने ग्रेनेड वगैरह करने चालू कर दिया और रोटेशन भी देना चालू कर दिया। मैं यहां पे जैसे ही आया मैंने यहां पे ग्रेनेड खोला और ये बंदा पीछे के साइड भाग के गया, मैंने पीछे ग्रेनेड किया और वो बंदा भागा। एंड इसी के साथ यहां पे पहला क्लच कंप्लीट होते हुए, तो गाइस एक लाइक तो बनता है भाई साहब, क्या ही स्क्वाड थी, एक टावर पे एक सीमेंट्री पे दो राइट पे, भाई गलत ही बंदे थे। फिलहाल इन बंदों की पेटी वोटी बनाई, हमें लगा कि अब मिलिट्री हो गई खाली, लेकिन भाई यहाँ पे सीन देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे आया बैठ के यहाँ पे लूट रहा था वो बाइक वाले बंदे को और तभी भाई ये बाइजन लेके बंदा आया और उसने भाई सीढ़ी के आर पार मार के मुझे नॉक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ मैं रिवाइव होता हूँ और ये बंदे पीछे की साइड से हम पे रस कर देते हैं। पहले तो ऊपर आया मैं यहाँ पे एक बंदा, तो मुझे लगा एक बंदा राइट साइड से आके भाई हम पे रस कर रहा है, लेकिन ये बॉट एंगल थे। और तभी यहाँ पे भाई विक्की का कॉल आता है, भैया ये गलत ही गन चला रहा है बाइजन वाला। अब इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया, लेकिन ये वो बाइजन वाला बंदा नहीं था आई थिंक सो, ये किसी बॉट वगैरह को मार रहा था सामने के साइड, तो ये ओपन में आ जाता है जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। और नॉक करने के बाद इस घर पे हम लोग रस कर देते हैं। अब यहाँ भी भाई अलग ही सीन होने वाला है। अब मुझे एक बंदे के फुट्स आए यहीं वॉल के पीछे से, मुझे ऐसे लगा जैसे ये घर के अंदर है, मैंने ग्रेनेड किया लेकिन यहाँ पे वो नहीं था, तभी मैं पीछे वॉल पे ग्रेनेड करता हूँ और ये रहा वो बाइजन वाला बंदा। अब स्पाइडर पीछे था बिल्डिंग में और वो हमें कॉल दे रहा था कि भाई पीछे के साइड से वो बंदा रोटेशन दे रहा है। मैं यहाँ पे ऐसे आया, अब मैंने अपने टीममेट से पूछा कि तुम्हारे पास थ्रोएबल्स हैं कुछ तो बता दो मेरे को, मेरे पे ज्यादा नहीं थे, यहाँ पे एक ग्रेनेड बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे थ्रोएबल्स ले लिए और राइट साइड से फ्लैंक करने लगा। स्पाइडर को मैंने बोला कि तू लेफ्ट साइड से डीपी चलाता रहा ताकि लेफ्ट साइड से बंदे ना जाएं।
अब एक बंदा यहाँ पे लेटा हुआ था, मैंने एक मॉली की और ये बंदा मॉली से बचने के लिए राइट साइड में सरक के आ रहा था। अब इसे मैंने नॉक कर दिया और बाइजन वाला बंदा अंदर था। मॉली किया मैंने, और यहाँ पे ये भैया भाग रहे थे बढ़िया आग वाग लगा के पिछवाड़े में, तो यहाँ पे इनको भी नॉक कर दिया और इसी के साथ यहाँ पे इन दोनों बंदों की पेटी बना दी। तो अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और कमेंट्स में मुझे बताना गाइस कि भाई हैकर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा। और हाँ, एक और मज़े वाली चीज़, पिछले वाले मैच में भी एक हैकर आया था भाई, वो वाला गेम प्ले आप लोग को चाहिए कि नहीं मुझे कमेंट्स में बताना। फिलहाल के लिए मैं आप लोग को एक गजब की चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आप लोग का प्रिडिक्शन लेवल काफ़ी अच्छा है तो आप लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। पैसे कैसे कमा सकते हो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा 1xBet के बारे में। ये एक बेटिंग वेबसाइट है जहां पे आप लोग जो है तो IPL वगैरह चल ही रहे हैं तो वहां पे प्रिडिक्शंस करके और बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाओ। और अगर आप लोग बोनस कोड यूज करोगे मिस्टर साइबर MRCYBER तो आपको मिलेगा 20,000 तक का एक्स्ट्रा बोनस कैश। तो भाई साहब किस चीज का वेट कर रहे हो, जाओ कमेंट सेक्शन में, पहली लिंक पिन मिलेगी, जाओ रजिस्टर करो, अकाउंट बनाओ और भाई 500 के जैसे आप डिपॉजिट करोगे 500 तो आपको 20,000 तक का जो है तो कैश बोनस आपका मिल जाएगा। तो ट्राई जरूर करना, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे गेम्स के ऊपर भी आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो। बहुत ही जल्द आई थिंक सो BGMI का भी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। फिलहाल के लिए CS:GO और बहुत सारे गेम्स है, IPL है, और कैसीनो वगैरह में भी आप लोग बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो, डबल ट्रिपल कर सकते हो और उससे UC या फिर रॉयल पास ले सकते हो। तो लिंक कमेंट सेक्शन में, आज जाओ चेकआउट कर लो। फिलहाल के लिए यहाँ ब्रिज से जा रहे थे, और ये भाई डायनामिक गेमर भाई यहाँ से भाग के जा रहे थे ब्रिज के ऊपर ऊपर से, मतलब भाई राइट साइड लेफ्ट साइड रास्ते बनवाए वहां से जाओ, लेकिन नहीं। अब हम उस बंदे को मार के यहाँ पे आते, पोचिंग की बंदे नहीं मिले तो ये लो भाई, पहले तो सलमान भाई ओपी कर दो। इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था ये लेटा हुआ है, मुझे तो बंदे यहाँ स्क्वाड हाउस में स्पॉट हुए रिकॉल सेंटर के, मैं यहीं पे डायरेक्ट आया और भाई ये बंदा वहाँ बाहर लेटा हुआ था। अब इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता तो पक्का ये बंदा खा लेता हमें। यहाँ मैंने ग्रेनेड किया, उस बंदे के बगल में ग्रेनेड फटा, लेकिन ये बंदा नॉक ही नहीं हुआ पता नहीं कैसे। नाम पढ़ा आप लोगों ने, ये वही बंदा है ब्रिज में जिस बंदे की अभी अभी हम लोगों ने पेटी बनाई थी, वो यहाँ पहुंचने की में रिकॉल हो गया अपने टीममेट से। अब यहाँ पे पीछे के साइड से भाई एक बोल्ड एक्शन का साम मेरे पे बगल में एकदम एम हुआ, हेड के बगल में। मॉली से ऊपर वाला बंदा फिनिश हो गया दूसरी बार, और यहाँ पे जो बंदे थे इन पे मैंने कर दिया रस। अब भाई एक बंदा मैंने नॉक किया और मुझे ऐसा लगा कि दोनों बंदे अंदर ही होंगे, लेकिन एक बंदा पीछे रहता है और उसे मैंने डैमेज किया, लेकिन उसने मुझे नॉक कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मेरी HP काफी कम हो चुकी थी। अब मैंने यहाँ पे विक्की को बोला कि तू ऊपर उठा के ला मुझे, और वहां पे रिवाइव दे। रिवाइव होने के बाद भाई बोल्ड एक्शन वाले बंदे ने पीछे एक बंदे को नॉक किया था जिसका मैंने किल ले लिया, और ये बोल्ड एक्शन वाले भैया बग्गी वाले बंदे को मार रहे थे, तो सबसे पहले तो ये बोल्ड एक्शन वाले बंदे को नॉक करके फिनिश डाल दिया, लेकिन यहाँ से वो बग्गी वाला बंदा बच के निकल गया। अब उसके बाद हम यहाँ से गाड़ी लेके जा ही रहे थे कि यहाँ भाई चर्च के साइड से ही फायर हुआ, कोई तो यहाँ पे UMP चला रहा था, तो मैंने यहीं पे गाड़ी ला के रोकी। सामने ब्लू हाउस पे बंदा था, अब इस बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज किया, और तभी लेफ्ट साइड से किसी ने और फायर किया क्योंकि मेरे पास तो ग्लेशियर थी तो नीली चमक तो थी नहीं, वो हरे पत्ते थे। अभी हम मैं इस बंदे पे रस कर रहा था तभी मेरे टीममेट्स को कॉल आता है पीछे से बंदा आ गया। अब यहाँ को यहाँ पे इस बंदे को मैंने चकमा दे दिया, लेफ्ट साइड गया पेड़ के, और उसके बाद लेफ्ट साइड से ना जाके मैं राइट साइड आ गया, और वो बंदा बेचारा लेफ्ट साइड उसने फायर किया। क्या
Watch out. फिलहाल के लिए यहाँ पे इस बंदे पे रस करता हूँ मैं, और मेरी गाड़ी पलट जाती है और मुझे पता था ये बंदा ऊपर होके मुझे मारने का ट्राई करेगा, और जैसे ही इसने पीक लिया ऊपर की साइड से मैंने यहाँ पे स्प्रे दिया और ये बंदा भी नॉक हो गया। सॉरी, वहाँ पे पीछे की साइड थोड़ा सा शोर आने लगा था मेरे बैकग्राउंड से, काम चालू है घर में रेनोवेशन का। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग वापस से आते हैं और स्पाइडर ने मुझे कॉल दिया कि पीछे की साइड एक बॉट अंकल, लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पे देखा पीछे से एक कू पार भी आके गई, और उसी टाइम पे यहाँ पे सामने की साइड देखो मेरे टीममेट्स बताते हैं, स्पाइडर बोलते हैं कि वहां पे बंदा था, गाड़ी बग्गी घुमाई उसने, लेकिन वो बॉट नहीं एक्चुअल में बंदा था। अब यहाँ पे कूप आर्मी वाला बंदा भाई पागलों की तरह इधर उधर गाड़ी चला रहा था, पता नहीं क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा था या फिर क्या कर रहा था मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए वो कूप आर्मी वाला बंदा सामने की साइड जाके रुक जाता है जहां पे स्पाइडर था वहीं पे। मैंने यहाँ पे कॉल दिया अपने टीममेट्स को कि सीधे गाड़ी लेके चलो, स्लैम करते हैं इस बंदे पे। अब उसी टाइम पे भाई स्पाइडर का कॉल आया कि वो बंदा भाग के यहाँ पे राइट साइड से निकल गया और हम यहाँ पे उसका पीछा करने जाते हैं। मैंने यहाँ पे मार करके बताया विकी को कि राइट साइड से वो बंदा जा रहा है, उसका पीछा कर जल्दी जल्दी, और ये बंदा फुल स्पीड से यहाँ पे कूप आर भी लेके भगा रहा था। पता नहीं कैसा सा बंदा है भाई ये। अब यहाँ पे इस बेचारे का तेल खत्म, भगा लो भाई गाड़ी और भगा लो, इतनी देर से पूरा का पूरा फ्यूल बर्बाद हो गया। अब फ्यूल बर्बाद होने के बाद इस बंदे की हमने पेटी बनाई, राइड में एक बग्गी थी भाई, मैंने बग्गी पे एम करके देखा वहाँ पे बंदा है कि नहीं। अब फिलहाल के लिए यहाँ से हम लोग चलते हैं जॉर्जो पुल के साइड। अब जॉर्जो पुल में तो कन्फर्म बंदे मिल रहे थे क्योंकि जॉर्जो रिकॉल था और जॉर्जो का ही जोन सेंटर था। फिलहाल के लिए स्पाइडर ने मुझे कॉल दिया, वो राइट साइड में था तो उसे ब्रिज से गाड़ी आती दिखाई दी, तो ब्रिज वाले बंदे को निपटाया पहले, और उसके बाद स्क्वाड हाउस में बंदा पीक करके मार रहा था आई थिंक वही ब्रिज वाले बंदों को, तो इसको भी नॉक करके डायरेक्ट इन पे कर देते हम लोग स्लैम। अब यहां का बस आप लोग फायर सीन देखो, अब यहीं से खत्म भाई। ये बंदे बेचारे पैनिक में ही मर गए। ये बंदा यहाँ पे ग्रेनेड कर रहा था और इसका टीममेट अपने आप को हील कर रहा था, और उतने में ग्रेनेड करने के बावजूद भी मैं नहीं रुका, मैं तो भाई मैं बोला किल तो तुम्हारा लेके रहूंगा। फिलहाल यहाँ पे सामने की तरफ गाड़ी लगी थी, मैंने यहाँ पे फायर करके देखा कि भाई उधर साइड बंदे हैं या नहीं है, तो वहाँ पे बंदे मुझे स्पॉट नहीं हुए। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन बोला कि भाई पुलिस स्टेशन से एक बंदा कार 98 चला रहा था जब वो वहाँ राइट साइड हिल पे था, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई बंदा स्पॉट नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे बोला स्पाइडर को उनको छोड़ो यहीं पे होल्ड करते हैं क्योंकि अभी बंदे बचे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ का सीन देखो आप लोग, अब हम गाड़ी लेके निकल रहे थे भाई, जोन भी बन गया, यहीं सेंटर का ही बन गया, तो हम यहीं पे आके रुके। सामने बंदा स्पॉट हुआ था मुझे, और यहाँ पे ये बंदा भी जो है, तो इसकी भी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है, और जैसे हम लोग वहाँ पीछे की साइड जा रहे थे ये यूएस मुझे खड़ी होती दिखाई थी और वहीं पे बंदा प्रोन होते। मैंने एक राइट से लेफ्ट में स्प्रे दिया और जहाँ पे ग्लेशियर की चमक आई वहीं पे लगातार भर दिया उस बंदे को, और इसी के साथ इनकी पेटी बन गई। अब यहाँ पे जैसे मैं गाड़ी आगे पीछे कर रहा था, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा हिल पे मुझे पूरी की पूरी स्क्वाड स्पॉट हुई, तो यहाँ पे मैंने अपने टीममेट्स को बोला भाई मुझे, भाई तुम लोग नीचे ही रहो नीचे ही रहो, मैं ऊपर जाता हूँ, और मैं सीधे ऊपर गया। सबसे पहले बहुत सारी एमो उठाई और यहाँ पे आके लेटा, और अब देखो जलवा। अरे वही बंदा है टॉप आर्मी, आजा। तो आप लोगों ने नाम तो ध्यान से पढ़ा, ये वही गर्ल गेमर है टॉप आरपी वाली। फिलहाल के लिए मैंने वहाँ उसके दो बंदे नॉक फिनिश किए, और तभी भाई पीछे के साइड से कार 98 का फटके पड़ने लगे मुझे वॉच टावर से। तो पहले अपने आप को मैं हील करता हूँ। अब अभी तक उसके टीममेट ने, लिटरली उसके टीममेट ने अपने सुपर शक्तियाँ, मतलब आप हैक्स कह सकते हो, एक्टिवेट नहीं किए थे, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी गर्ल गेमर को मारा, अब देखो भाई सीन पिक करके बैठा है। अब यहाँ पे एक बंदे को और मैंने नॉक किया। अब इस बंदे को जैसे मैंने नॉक किया, पहले लगा कि वहां पे ही बंदा होगा आसपास, लेकिन तभी उस टाइम पे
वहां पे एक बग्गी आती, मैंने यहाँ पे कॉल दिया कि जल्दी चल, अभी डेढ़ मिनट है, चल के मार देंगे उन बंदों को। लेकिन जैसे इस बंदे को लगा कि भाई इसने गर्ल गेमर मार दी, मेरे टीममेट मार दिए, अब भाई साहब बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इन भैया ने अपनी सारी शक्ति एक्टिवेट कर ली और अब देखो जलवा। कॉन्फिग यूजर है, अरे पहले ही लिट हो गया मैं, गाड़ी से आते ही उसके हेड लगे सारे। अब यहाँ पे इस बंदे को भी मेरा एक हेड लगा था और उसके बावजूद इस बंदे ने सिर्फ बॉडी मार के मुझे नॉक कर दिया, फिर उसके बाद विक्की को भी नॉक कर दिया। अभी रुको आप लोग, अगर आपको कोई डाउट है तो रुको, मैंने यहाँ पे स्पाइडर को बोला इस पत्थर पे स्लैम कर तू और मेरे को जल्दी से ना तू पहले तो रिवाइव कर, क्योंकि वो बंदा अभी हील कर रहा है, उसके बाद अपने टीममेट को रिवाइव करेगा। और वहां पे एक ग्रेनेड फेंक दे जल्दी से, तो स्पाइडर ने वहां पे एक ग्रेनेड फेंक दिया जिससे कि वो बंदों का रस रुक जाए। अब उस बंदे ने भी यहाँ पे मॉली की, एक मॉली फेंकी हम पे, मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड फेंक दिया जिससे वो बंदे का रस रुक जाए, एक और फेंक दिया, उसके बाद स्पाइडर को बोला जाके विक्की को रिवाइव कर, एक और ग्रेनेड। अब इस ग्रेनेड से तो ये बंदा मर गया जिसे मैंने नॉक किया, हील हो गया मैं। अब आप लोग ध्यान से देखना यहाँ के बाद सीन जो होने वाला है, फुल बूस्ट कर लिया मैंने, अब देखो जलवा। इस बंदे के तीनों टीममेट गए, आप देखो भाई पूरा लिट कर दिया था बंदे को, और इसकी गन रीलोड पे नहीं जाती ना, देखो एक एक स्प्रे में इसने मुझे और स्पाइडर को नॉक कर दिया। अब आप लोग कमेंट्स में बताना क्या ये लेजिट प्लेयर था या फिर ये था हैकर। फिलहाल के लिए इसने हम दोनों को नॉक कर दिया और विक्की जस्ट ही रिवाइव हुआ था कि भाई साहब विक्की ने उसको रीलोड करते टाइम पे मार दिया, नहीं तो भैया यहाँ पे ही हमारी पेटी और अस्थियां उड़ जाती। फिलहाल के लिए यहाँ पे भाई हम जोन के अंदर आते हैं, स्पाइडर का बचना वहाँ पे इम्पॉसिबल हो गया था, जोन के अंदर आते हम लोग। विक्की को एक बंदा स्पॉट हुआ था और जब तक हम लोग यहाँ गाड़ी वाड़ी उठाते हील वगैरह करते तब तक दो बंदे और मर गए और इधर साइड से फायर आया था, तो डाउन रिज पे हम गाड़ी घुमाते हैं। और ये भैया ये देखो यहाँ पे थे। अब एक्चुअल में मुझे पता नहीं कि ये बंदा पैनिक था कि क्या था, लेकिन भाई इसका तो फ्यूज ही उड़ गया था आई थिंक सो, क्या कर रहा था ये। दो गाड़ियां देख के मैं टोटली बता रहा हूँ, ऐसे मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक दो बार, दो गाड़ियां देख के एक गाड़ी को मारने का ट्राई करता हूँ, दूसरा गाड़ी वाला आके खड़ा करके मुझे मार देता है, तो आई थिंक सो यही हुआ इस बंदे के साथ। फिलहाल के लिए आप लोग को गेम प्ले कैसा लगा कमेंट करके बताना। हैकर को भी मार दिया गाइस, टॉप आरपी वाली बंदी को भी मार दिया जो हैकर के साथ खेल रही थी। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मेक श्योर आप लोग 1xbet को चेकआउट कर लो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी, और मेरा बोनस कोड यूज करने पे आपको मिल सकता है 20,000 तक का कैशबैक 500 रुपीज डिपॉजिट करने पे, तो जाओ जाके चेकआउट कर लो 1xbet।